लोग कहते हैं मैं डिफरेंट हूँ, पर वही भीड़ से अलग दिखना मेरी पहचान है। बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम है जिसका नाम रिकेट्स है, पर इसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको कभी हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे परिवार ने और मेरे दोस्तों ने मेरे ज़िंदगी पर मेरा पूरा साथ दिया और मेरी बेटर हाफ ने मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर मोटिवेट किया। ये सबकी चाहत होती है कि केबीसी में जाऊं, कोई आईवीआर कॉल, इसका फर्स्ट इनिशियल स्टेज होता है कि आईवीआर कॉल आ जाए। तो वो आईवीआर कॉल मुझसे मिस हो गया था। मेरे पेरेंट्स, भाई बहन सब बहुत खुश होते हैं कि शायद, मतलब चलो आईवीआर कॉल आया है, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत तो हुई, फर्स्ट स्टेप ही सही। लेकिन केबीसी ने मुझे इस लायक तो समझा कि उसमें मेरा पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट किया गया। 8 to 9 राउंड्स थे जो कि क्लियर करने पड़ते हैं। तो अगर फाइनल FFF के लिए जाने के लिए, जैसे आपको पता है मुंबई सपनों का शहर है, हर इंसान वहाँ जाना चाहता है, उस शो से बड़ा रियलिटी शो और ज्ञानवर्धक शो इस इंडिया में कोई भी नहीं है दूसरा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है, जो कि मेरे साथ हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, है जो आपकी लाइफ है वो भी एक जर्नी है, केबीसी की जैसे एक जर्नी है वैसे लाइफ एक जर्नी है। और लाइफ हमेशा सीखने की चीज़ है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा फेलियर होता है, या जो भी पुरानी धारणाएँ बनी हैं उनको तोड़िए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा लर्निंग होता है। जब आप उसको फेलियर को लर्निंग से रिप्लेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग आते हैं ज़िंदगी में जो डीमोटिवेट करते हैं, जो कि ये नहीं तो अगर मगर शगर ये सब बातें करते हैं, उनको आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना होगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया और जो भी मैं आज हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आपके हौसले बुलंद है, अगर आपके इरादे बुलंद है तो आप कामयाब ज़रूर होते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूँ में और हमारे जम्मू के बेटे ने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और मेरे साथ मौजूद है इस समय अंकुश शर्मा, जिन्होंने केबीसी तक पहुंचे हैं जो और 25 लाख रुपए जीत के आए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वहां तक पहुंचना, तो हम सीधा आपको रूबरू करवाते हैं, अंकुश से बातचीत करवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह की इनकी डेडिकेशन रही और किस तरह से इन्होंने कामयाबी हासिल की है। अंकुश, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। मैम, आपका बहुत धन्यवाद करूँगा। और बाकी केबीसी की बात रही तो केबीसी का सफ़र जो मेरा था वो एक स्टार्टिंग मतलब मेरी हो गई थी, जैसे बचपन से मैं देखता था केबीसी और यही था कि कब मैं वहाँ तक, मतलब ऐसे जैसे बच्चे का एक शौक होता है कि वहाँ जाना, मेरा भी एक चाहत थी, सबकी चाहत होती है कि केबीसी में जाऊँ। और फिर मैंने उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था 5 साल पहले, और 5 साल से मैं मतलब तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन में अपने क्वेश्चंस के आंसर देता रहता था। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी करती थी और कभी कभी मेरे भाई, जो एक छोटा भाई भी है मेरा, वो भी कभी कभी कर देता था। तो हम किसी को था कि कभी भी, मतलब कोई आईवीआर कॉल, इसका फर्स्ट इनिशियल स्टेज होता है कि आईवीआर कॉल आ जाए, लेकिन वो आईवीआर कॉल कभी नहीं आया। तो इस साल लकीली मुझे आईवीआर कॉल आया, और जैसे कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो वो आईवीआर कॉल मुझसे मिस हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से मुझे आईवीआर कॉल आता है, और जब आईवीआर कॉल आता है वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो मुझे, मतलब मैं घर आके बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स, भाई बहन सब बहुत खुश होते हैं कि शायद, मतलब चलो आईवीआर कॉल आया है, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत तो हुई। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान कामयाब हो या ना हो, लेकिन उस जगह तक पहुँचना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना, कितनी ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ में। जब आपको इस चीज़ का पता लगा, कितनी एक्साइटमेंट थी या मैं कहूँगी नर्वसनेस थी उस समय? जब आईवीआर कॉल आया तो तब यही था, खुशी थी बहुत कि चलो फर्स्ट स्टेप ही सही। लेकिन केबीसी ने मुझे इस लायक तो समझा कि उसमें मेरा पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट किया गया। तो उसके बाद उनका आईवीआर कॉल पे जीके टेस्ट के लिए मुझे किया गया, फिर जीके टेस्ट दिया मैंने, फिर ऐसे करते 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 टोटल 8 to 9 राउंड्स थे जो कि क्लियर करने पड़ते हैं। तो अगर फाइनल FFF के लिए जाने के लिए, तो वो फाइनल FFF जाने के लिए जो भी मेरे राउंड्स थे वो क्लियर होते गए, मतलब उसमें बहुत टाइम लगा, 6-7 महीने का एक लंबी जर्नी थी, जो कि जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ही मतलब तैयारी भी की, बहुत पहले से भी कर रहा था। लेकिन इस बार जब आईवीआर कॉल का मौका मिल गया और उसके बाद एक एक करके राउंड क्लियर होते गए, तो राउंड क्लियर करने का मतलब ये है कि जीके की तैयारी करना, तो जीके की तैयारी होगी, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हॉट सीट पर पहुंचने से पहले भी हॉट सीट जैसा माहौल,
चार पांच बार केबीसी की जर्नी में बनता है जिसमें आपके जीके टेस्ट लिए जाते हैं, सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी मैं पहले से ही कर रहा था। और फिर जब वो क्लियर होते गए तो मुझे एक अच्छा मतलब फील होने लगा कि शायद इस साल मेरा नंबर केबीसी में आ सकता है। ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या थी, हॉट सीट पर बैठने की या बिग बी से मिलने की? ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हर चीज़ की थी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे वहाँ की कॉल आने की, क्योंकि मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सब उधर जाते हैं, जैसे आपको पता है मुंबई सपनों का शहर है, हर इंसान वहाँ जाना चाहता है और मतलब अपने फेवरेट स्टार्स से मिलना चाहता है, जैसे मेरे फेवरेट शाहरुख सर हैं, तो उनसे भी मिलने के लिए मुझे बहुत ही मतलब चाहत है। तो अब एक अमित सर भी मेरे फेवरेट हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी चाहत है। तो जब हॉट सीट पे जाना और वहाँ पे एक नेम फेम जो मुकाम जो मिलता है उससे, उस शो से, क्योंकि उस शो में से, मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है, उस शो से बड़ा रियलिटी शो और ज्ञानवर्धक शो इस इंडिया में कोई भी नहीं है दूसरा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है, जो कि मेरे साथ हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स सबका मिल रहा है, सबकी प्रेज़ मिल रही है, मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इसलिए मेरा वही था, एक बार मुझे कॉल आए और मैं वहाँ जाऊँ। और जब मुझे फाइनली कॉल आया तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, जो भी मैं मतलब जो मैंने हार्डवर्क किया था, वो जैसे उनको सब कुछ सफल होते दिखा तो उनको भी बहुत प्राउड फील हुआ और बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, हमें यही सोचना चाहिए कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी वो सफल ज़रूर होता है। आप हमारे माध्यम से व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, जो मतलब कि निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती ना तो हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एक जीती जागती मिसाल हो उन लोगों के लिए जो कभी सोचते हैं कि हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या एक मैसेज उन लोगों के लिए? मैं सबको एक ही मैसेज देता हूँ और देना चाहूँगा कि जो आपका जर्नी है, जो आपकी लाइफ है, वो भी एक जर्नी है, केबीसी की जैसे एक जर्नी है वैसे लाइफ एक जर्नी है, और लाइफ हमेशा सीखने की चीज़ है। और कोई भी इंसान, जैसे कोई पहले किसी ने कहा है, कहावत है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा फेलियर होता है। मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगा, ये जो पुराने स्टेरियोटाइप्स बने हैं या जो भी पुरानी धारणाएँ बनी हैं उनको तोड़िए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा लर्निंग होता है। जब आप उसको फेलियर को लर्निंग से रिप्लेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है और जो भी ज़िंदगी में होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं मानता हूँ कि उस समय आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ अच्छे के लिए हो रही है, ये बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, वो फीलिंग आती है, मुझे भी आई थी बहुत बार और सबको आती है। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के ज़िंदगी में उस चीज़ को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पाओगे कि जो भी वैसे हुआ था वो अच्छा ही हुआ था, जिसकी वजह से आज कुछ आगे अच्छा हुआ है। कहीं ना कहीं इंसान अपनी सोच उसकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि सोच से विकलांग अगर हो तो वो कुछ नहीं कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? अपने पेरेंट्स का आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बाकियों की बात करें वो हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनकी सोच ही आपको आगे बढ़ा के ले जाती है। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मेरी जर्नी के साथ साथ मेरे घर वालों को भी बहुत ये था कि कब मुझे कॉल आएगा, जैसे जितना बेसब्री से इंतज़ार मैं कर रहा था उसी तरह मेरे पेरेंट्स भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरी मतलब जो जर्नी थी उसको देखा है बहुत ही, कि ये चीज़ जो मिलती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत समय लग जाता है। मतलब कह देते हैं कि यहाँ तक पहुँच गए, हॉट सीट तक आ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके पीछे एक लंबी मतलब पूरी ज़िंदगी की जर्नी भी जुड़ी होती है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में, मैंने वही कहा, संघर्ष आपका जितना गहरा होगा उतनी ऊंची उड़ान होगी। लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि कहाँ, क्यों मेहनत करा, कोशिशें बेकार होंगी, नहीं होगा कुछ, ऐसा डीमोटिवेटेड लोग होते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि आपको डीमोटिवेटेड लोगों से तलाशना होगा। जैसे आपकी फैमिली है, वो आपकी सबसे, इस दुनिया में सबसे पहले जो फैमिली होती है, जो आपकी बेस्ट सपोर्टर होती है, जो आपको गाइड करती है, जो आपका साथ देती है, तो पहले तो, और कुछ ऐसे और फ्रेंड्स होते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग आते हैं ज़िंदगी में जो डीमोटिवेट करते हैं, जो कि ये नहीं तो अगर मगर शगर ये सब बातें करते हैं, उनको आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना होगा और अपनी फैमिली को टाइम दे, अपनी फैमिली के साथ जो उनकी विशेज़ हैं, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं अपने पेरेंट्स की, जब इंसान अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेता रहेगा और उनको खुश रखेगा, या मतलब उनकी ब्लेसिंग्स उनको मिलती रहेंगी, तो वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ाएंगी। मेरे पेरेंट्स को जैसे स्टार्टिंग से मेरी जर्नी शुरू हुई, या मैं पहले से ट्राई कर रहा था, या मेरी जो लाइफ है जैसे भी स्टार्टिंग बचपन से, मेरे पेरेंट्स ने
मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया और जो भी मैं आज हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। वही चीज़ है जो उनकी डेडिकेशन थी, उनकी जो मेहनत थी, वो आज मतलब एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट के सामने आ रही है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ मतलब पूरा जो उनका ब्लेसिंग्स हैं वो लेते रहिए, उनकी बातें मानते रहिए। और मतलब अगर आप अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे तो अपनी फैमिली से जुड़े रहेंगे, अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स पाएंगे, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट और आपकी कोशिश ही आपको कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचाता है और बाद में आप उसी सीढ़ी पर चढ़कर कामयाब होते हैं। तो ये आज हमने आपको मिसाल दी है जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। बिश्नाह के रहने वाले हैं अंकुश शर्मा। काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल ये मैसेज आप सभी लोगों को दे रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि पेरेंट्स की मोटिवेशन ही ने ही इन्हें आगे तक पहुंचाया है। और आप लोगों जितने भी लोग आप हमें हमारे माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मिसाल है आप लोगों के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।